हमारा टिलेज वाला, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो टिलेज होता क्या है, मतलब सोइल को क्या करना, मैनिपुलेट करना, सोइल को डिस्टर्ब करना। जो हमारी सोइल है, मतलब फार्मर है, फार्मर के पास ये सोइल है, उस सोइल को ये क्या करता है फार्मर, फार्मर इस सोइल को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, उसको मैनिपुलेट कर देता है। अलग अलग डिफरेंट इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे प्लाव हो गया, हैरो हो गया, कंट्री प्लाव हो गया, ठीक है, पटेला हो गया, कई सारे हैं। इनका यूज करके वो सोइल को क्या करता है, यहाँ पे मैनिपुलेट कर देता है। सोइल में यहाँ पे क्या करता है, उसको लूज कर देता है, उसकी कॉम्पैक्टनेस को खत्म करता है। ऐसा क्यों करता है, ऐसा करने के पीछे रीजन क्या होता है, इसका करने के पीछे रीजन होता है कि जो सोइल है, सोइल क्या होती है, एकदम कॉम्पैक्ट होती है, उसको वो लूज करता है और एक अच्छी फिजिकल कंडीशन तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, अच्छी फिजिकल कंडीशन प्रिपेयर करता है अपनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर उसको अपने क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा चाहिए तो उसको सोइल की कंडीशन भी अच्छी करनी पड़ेगी। इसलिए जो है फार्मर क्या करता है, सोइल को क्या करता है, टिलेज ऑपरेशन उसके अंदर करता है, ताकि सोइल की जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाए, फेवरेबल हो जाए, प्लांट की ग्रोथ उसके अंदर अच्छी हो, तो उसी को यहाँ पे टिलेज कह देते हैं। तो टिलेज क्या हो गया, मैकेनिकल मैनिपुलेशन। अब यहाँ पे मैकेनिकल क्यों बोला गया, क्योंकि हम यहाँ पे मशीनरी यूज करते हैं, मतलब टूल्स इंप्लीमेंट यूज करेंगे, कंट्री प्लाव हो गया, ट्रैक्टर ड्रॉन हो गया, एनिमल ड्रॉन हो गया, वो तो मैकेनिकल मैनिपुलेशन किसका, सोइल का, विथ टूल्स या इंप्लीमेंट, टूल्स या इंप्लीमेंट की सहायता से हम करेंगे। ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन, एक अच्छी आइडियल कंडीशन किससे, टिलेज के थ्रू हमें एक अच्छी आइडियल कंडीशन मिलेगी सोइल की, किसके लिए, सीड का जर्मिनेशन अच्छी हो, सीडलिंग अच्छी हो, सीडलिंग का स्टैंडर्ड मतलब जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, और ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, क्रॉप की ग्रोथ हमें अच्छी मिले, इसलिए टिलेज कहा जाता है, टिलेज किया जाता है। टिलेज क्या हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। टिलेज के फादर कौन है, जेथ्रो टूल है, ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि जेथ्रो टूल साहब है वो टिलेज के फादर है, लेकिन जीरो टिलेज के नहीं है। जीरो टिलेज के हमने पढ़ा था कौन है, जेबी ट्रिपलेट साहब है, और ये जो साहब है जेथ्रो टूल, ये वीड साइंस के भी फादर कहे जाते हैं, और वीड वर्ड भी क्या, इन्होंने ही दिया था जेथ्रो टूल ने। ये बेसिक छोटी मोटी चीज़ें जो जनरल एग्रीकल्चर वाला जो हमारा मैराथन सेशन था उसके अंदर मैंने पढ़ा दिया है, आप जाके वो वीडियोस देख लीजिए। अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया हमारा टिलेज। अब इसमें कंडीशंस आती है क्या, कि इरिगेशन, इरिगेटेड एग्रीकल्चर के लिए क्या, मतलब कि अगर मान लो आपकी सोइल में जो एग्रीगेट्स होते हैं, मतलब कि जो आपके जो ढेले होते हैं या जो टुकड़े होते हैं सोइल के, पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो मोर देन 5 mm डायमीटर्स के हैं, तो आप वहाँ पे इरिगेटेड एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे अगर आप स्मॉल एग्रीगेटेड, मतलब जो डायमीटर है वहाँ पे पार्टिकल्स का, मतलब कि जो ढेले हैं वहाँ पे वो लेस देन 5 mm है, तो वहाँ पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर करना चाहिए। टिल्थ क्या होता है, टिल्थ क्या होता है, जैसे अभी हमने बोला कि यहाँ पे हम सोइल को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, सोइल को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एक आइडियल कंडीशन मिलती है सोइल की, क्या मिलती है, सोइल की आइडियल कंडीशन। ये आइडियल कंडीशन ही क्या कहलाती है, टिल्थ कहलाती है, ठीक है, ये फिजिकल कंडीशन या आइडियल कंडीशन ही क्या कहलाती है, टिल्थ कहलाती है। टिलेज करने के बाद जो हमें फील्ड पे दिखाई देता है, एक अच्छी कंडीशंस फील्ड की दिखाई देती है, उसी को हम टिल्थ कह देते हैं। फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल ऑब्टेन आउट ऑफ टिलेज, ये देखो टिलेज के, टिलेज करने पर हमें क्या मिलता है, एक अच्छी फिजिकल कंडीशंस मिलती है सोइल की, जो क्या करती है, जिससे हमें क्या मिलता है, हमारे जो प्लांट के लिए एक फेवरेबल कंडीशन में मिलती है, ठीक है, उसी को टिल्थ कह देते हैं। अब टिल्थ जो है देखो क्या होता है, टिल्थ कोर्स टिल्थ भी होता है, फाइन टिल्थ भी होता है, और मॉडरेट टिल्थ भी होता है, तीन को अलग अलग तीन कैटेगरी में दिखाया गया। अब फाइन टिल्थ क्या है, अगर आपने टिलेज क्या किया, जैसे मान लो रोटावेटर से किया, तो वहां पे आपके बिल्कुल क्रश कर दोगे वो जो सोइल के जो क्लाउड क्लॉट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको बिल्कुल क्रश कर दोगे, बिल्कुल क्या कर दोगे, बेक फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर दोगे, तो वो फाइन टिल्थ हो जाएगी। आपने थोड़े से बड़े एग्रीगेट्स रखे, ठीक है, जो क्लाउड से थोड़े बड़े रखे, फाइन से थोड़े बड़े रखे, तो मॉडरेट हो जाएगा। और कोर्स टिल्थ का मतलब है कि वहां पे आपने क्या किया, प्लाव यूज किया, तो बड़े बड़े जो ढेले दिखाई देते हैं वो कोर्स टिल्थ वाली कंडीशन होती है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है टिलेज को क्लासिफाई किया गया, टिलेज को जो टाइप है वो दो टाइप के, एक तो ऑन सीजन टिलेज होता है और एक ऑफ सीजन टिलेज होता है। ऑन सीजन का मतलब क्या है, कि भाई अभी हमें क्या करना है, 2-4 दिन के अंदर क्रॉप को लगाना है, क्रॉप की सोइंग करना है ना, क्रॉप की सोइंग करना है, अभी सीजन हमारा चल रहा है और हमें क्रॉप की सोइंग करना है, इसको बोलते हैं ऑन सीजन। और ऑफ सीजन का मतलब क्या हो गया, ऑफ सीजन का मतलब है कि अब हमें 2-3 महीने बाद जो है हमारा सीजन आएगा, तब हम क्रॉप ग्रो करेंगे, लेकिन फील्ड हम आज ही उसको
अच्छी कंडीशंस के लिए, सोइल की अच्छी कंडीशंस बनाए रखने के लिए आज ही हम क्या कर देते हैं, उसमें टिलेज कर देते हैं। सीजन अभी नहीं है, ठीक है, सीजन 2 महीने बाद ही 3 महीने बाद है, लेकिन आज ही हम क्या कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि जैसे कि मान लो समर में क्या करते हैं, डीप प्लोइंग करते हैं। डीप प्लोइंग का रीजन क्या होता है कि उसमें जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो सनरेज की वजह से, जो उसमें क्या होता है गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो जो सूर्य की किरणें होती है डायरेक्ट सोइल पर पड़ती है, तो जो इंसेक्ट पेस्ट के जो क्या बोलते हैं उनको, जो उनके हाइबरनेशन होते हैं, एरियाज होते हैं, वहां पर डायरेक्ट सन रहती है, तो जिससे इंसेक्ट पेस्ट वो भी खत्म हो जाते हैं। और कुछ जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो भी इंसेक्ट को खा लेते हैं जब हम मिट्टी को डिप्लॉइंग करते हैं, तो उनके जो अंडे वगैरह होते हैं इंसेक्ट के, जो उनकी लाइफ साइकिल जहां पर वो स्टे करते हैं, वो सब बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑफ सीजन हो जाता है। देखो ऑन सीजन क्या हो गया, टिलेज ऑपरेशन डेट आर डन फॉर राइजिंग क्रॉप इन द सेम सीजन आर द ऑनसेट ऑफ द क्रॉप सीजन। मतलब वही है कि हमें कब करना है टिलेज, कि जब हमें क्या करना हो, क्रॉप को राइज करना हो, मतलब क्रॉप की सोइंग करना हो या क्रॉप उगाना हो, तब अगर हम कर रहे हैं, जैसे कि कल हमें सोइंग, परसों हमें क्या करना है, सोइंग करना है, तो आज हम फील्ड तैयार कर रहे हैं, तो वो ऑन सीजन हो गया, ठीक है, या ऑनसेट ऑफ मानसून, वही बात है। दूसरा बोला इट में भी प्रिपरेटरी, ये दो प्रकार का होता है, या भी ये तो प्रिपरेटरी होता है और आफ्टर कल्टिवेशन होता है, ठीक है। प्रिपरेटरी मतलब कि अगर हमें सोइंग कल करनी है, आज हम सोइल तैयार कर रहे हैं, तो यह हो गया प्रिपरेटरी। और आफ्टर कल्टिवेशन मतलब सोइंग के बाद कुछ हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, सोइल के बाद अगर कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे जर्मिनेशन से पहले भी हम वीट कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, उसमें टिलेज ऑपरेशन करते हैं, तो वो आफ्टर कल्टिवेशन हो जाता है। देखते हैं क्या होता है वो। देखो प्रिपरेटरी टिलेज क्या होता है, दिस रिफर्स टू टिलेज ऑपरेशन डेट आर डन टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर राइजिंग कोर, ठीक है, कि अगर हमें फील्ड में क्या करना है, क्रॉप को लगाना है, उसके लिए अगर हम फील्ड को तैयार करते हैं, तो प्रिपरेटरी से नाम ही आ रहा है, प्रिपरेशन करना फील्ड का, कि हमें क्रॉप लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड को प्रिपेयर करना है, उसके लिए जो टिलेज ऑपरेशन होता है वो प्रिपरेटरी टिलेज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डीप ओपनिंग, अब इसके अंदर क्या करते हैं, अगर हमें सोइल को उगाना है, सोइल को जब सोइंग करते हैं, तो हम सोइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो डीप ओपनिंग, लूजनिंग ऑफ द सोइल, सोइल को लूज किया जाता है, ठीक है, ताकि जो रूट है, रूट का पेनिट्रेशन अच्छे से हो सके सोइल के अंदर, है ना, जो सीड आप लगाओगे तो सीड में क्या निकलेगी, रूट्स निकलेगी, तो रूट्स का जो पेनिट्रेशन अच्छे से हो सके, तो सोइल को लूज किया जाता है। टू ब्रिंग आउट द डिजायर टिल्स एज वेल एज द इनकॉर्पोरेट, अच्छी टिल्स वहां पे हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उसके साथ ही क्या करते हैं, जो वीट होते हैं, वीट को हम क्या करते हैं, अपरूट कर देते हैं, मतलब वीट का कंट्रोल भी होता है, क्रॉप स्टेबल, वीट का और क्रॉप स्टेबल मतलब पुरानी जो क्रॉप होती है उसके जो भी कुछ डंठल वगैरह रेसिड्यूज पड़े रहते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं, हटाते हैं, व्हेन द सोइल इज द वर्केबल कंडीशन, ठीक है, किसके लिए, तो सोइल को हमें अच्छी कंडीशन बनाने के लिए। तो प्रिपरेटरी टिलेज क्या हो गया, अगर हमें क्रॉप को उगाना है तो उससे पहले हम जो फील्ड तैयार करते हैं प्रिपरेटरी के अंदर आता है, उसके अंदर हम सोइल को ओपन करते हैं, उसको लूज करते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, वीट को भी निकाल देते हैं और जो क्रॉप के रेसिड्यूज होते हैं पुराने वो भी हटा देते हैं, ये प्रिपरेटरी टिलेज है। मतलब कुल मिला के अगर हमें क्रॉप लगाना है तो हमें सोइल को अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ता है। अब प्रिपरेटरी टिलेज दो प्रकार का होता है, प्राइमरी टिलेज और एक होता है सेकेंडरी टिलेज। पहले देखते हैं प्राइमरी। देखो प्राइमरी टिलेज क्या हो गया, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन डेट इज डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप टू ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टीवेशन इज नोन एज प्राइमरी टिलेज आर प्लोइंग। प्राइमरी टिलेज को प्लोइंग भी कहा गया। यहां क्या बोला गया, यहां पे जो है क्रॉप की हार्वेस्ट, मतलब क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद आफ्टर द हार्वेस्टिंग, मतलब प्राइमरी टिलेज कब किया जाता है, जैसे अभी क्रॉप है उस क्रॉप को हमने हार्वेस्ट कर दिया, हार्वेस्ट करने के बाद अगर हम वहां पे टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं वो प्राइमरी टिलेज कहलाता है। क्रॉप की हार्वेस्ट करने के बाद प्लॉइंग इज द ओपनिंग। अब यहां पे प्लॉइंग करते हैं, प्लॉइंग का मतलब क्या हो गया, प्लॉइंग जो हम करते हैं उसमें क्या होता है, ओपनिंग द कॉम्पैक्ट सोइल, जो सोइल जो हमारी काफी हार्ड होती है, बहुत कॉम्पैक्ट होती है, हार्वेस्टिंग के बाद सोइल हमारी बहुत हार्ड और कॉम्पैक्ट होती है, तो उसको ओपन करने के लिए, ठीक है, अलग अलग प्लाव हम यूज करते हैं, उसको हम प्लॉइंग कह देते हैं। जैसे कंट्री प्लाव हो गया, मोल्डवर प्लाव हो गया, बॉस प्लाव हो गया, डिस्क प्लाव हो गया, हैवी ड्यूटी डिस्क हैरो, सब सोइल प्लाव हो गया, चीजल प्लाव हो गया, ट्रैक्टर एंड पावर टिलर, ड्रॉन इंप्लीमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे प्राइमरी टिलेज के अंदर आते हैं। क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद हम यूज इनको करते हैं। सेकेंडरी टिलेज की बात करते हैं। सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, सेकेंडरी टिलेज दैट परफॉर्म्ड ऑन द सोइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज के बाद
जैसे हम प्राइमरी टिलेज कर देते हो, उसके प्राइमरी टिलेज करने के बाद अगर हम सोइल में कोई टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी टिलेज के अंदर आता है। और इसके अंदर हम कोई बहुत ज़्यादा सोइल का क्या करते हैं, टिलेज नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में बहुत ज़्यादा डीप नहीं करते, फाइन ऑपरेशन करते हैं, लाइटर ऑपरेशन करते हैं। देखो सेकेंडरी टिलेज कंसिस्ट ऑफ लाइटर और फाइनर ऑपरेशन, बिल्कुल लाइट और फाइन ऑपरेशन इसके अंदर किया जाता है, विच इज डन टू क्लीन दी सोइल। मतलब क्या, इसके अंदर जैसे सोइल है हमारी उसको क्लीन करना, ब्रेक द क्लाउड्स, जो बड़े बड़े ढेले हैं प्लाउइंग के, जब हमने प्राइमरी टिलेज किया तो बड़े बड़े ढेले हो गए प्लाउइंग में, तो उनको ब्रेक करना, उनको तोड़ना, ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर को मिलाना, इनकॉर्पोरेट करना सोइल के अंदर, ये सब सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा। तो हैरोइंग और प्लांकिंग क्या इस अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, ये भी सेकेंडरी के अंदर आता है। प्लांकिंग डन क्रॉस, प्लांकिंग से क्या करता है, जो बड़े बड़े ढेले होते हैं वो तोड़ने का काम होता है, प्लांकिंग से सोइल को लेवल करने का काम करता है वो। फिर हैरो आ गया इसके अंदर, कल्टीवेटर हो गया, घंटेकस हो गया, स्वीप हो गया, क्लाउड क्रशर हो गया, लेवलर हो गया, बंड फॉर्मर हो गया, स्पेड हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन या सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स के अंदर आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि विच वन फॉलोइंग इज द प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट और सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर ये आप नीचे ऑप्शन दिए हैं चार पांच, इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी टिलेज का है, कौन सा जो सेकेंडरी टिलेज का है, कौन सा जो हॉर्टिकल्चर का टूल है, कौन सा जो हार्वेस्टिंग का टूल है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें सेकेंड जो है, ठीक है, एक प्रिपरेटरी टिलेज हो गया हमारा, प्रिपरेटरी टिलेज के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्कस किया। अब यहां पे है सेकेंड दिया है आफ्टर कल्टीवेशन, ठीक है, ऑन सीजन की बात कर रहे हैं, ये ऑन सीजन में चल रहे हैं अभी, हमें ऑन सीजन जो टिलेज था उसमें दो आते हैं, प्रिपरेटरी और हमारा आफ्टर कल्टीवेशन। प्रिपरेटरी के अंदर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्कस किया, अब आफ्टर कल्टीवेशन, इसी को इंटर टिलेज भी कहते हैं। देखो टिलेज ऑपरेशन डेटा कैरी आउट दी स्टैंडिंग क्रॉप, जब हम खड़ी क्रॉप में अगर कोई टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं, देखो खड़ी क्रॉप में जब कोई हम टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर कल्टीवेशन या इंटर टिलेज। देखो जब हम स्कूल में 11वीं 12वीं में या पीएटी लेवल में पढ़ाया जाता है सेकेंडरी ऑपरेशन, जो सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन क्या है, जो खड़ी क्रॉप में करते हैं, वैसा नहीं है, ठीक है, ये काफ़ी समझदार वाली बात है। अब हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल एकदम बेसिक से सब कुछ क्लियर करना रहता है। तो आफ्टर कल्टीवेशन इंटर टिलेज मतलब स्टैंडिंग क्रॉप में अगर जब हम टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो आफ्टर कल्टीवेशन या इंटर टिलेज कहलाता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इसको इंटर कल्टीवेशन या पोस्ट सीडिंग। सीडिंग मतलब कि जब जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद अगर कर रहे हैं तो, ठीक है, ठीक, इंक्लूडिंग हैरोइंग, इसमें हैरो आता है, होइंग आता है, वीडिंग हम करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, साइड ड्रेसिंग करते हैं फर्टिलाइजर और मेन्यूर का, तो ये सारे आफ्टर कल्टीवेशन या इंटर टिलेज के अंदर आता है, ठीक है, जैसे स्पेड हो, वीडर, ये सारे इसके अंदर। अब ऑफ सीजन की बात करते हैं कि ऑफ सीजन टिलेज क्या होता है, तो ऑफ सीजन टिलेज ऑपरेशन डन फॉर कंडीशनिंग द सोइल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात आ गई, कंडीशनिंग द सोइल के लिए, मतलब जैसे मान लो सोइल सुटेबिलिटी फॉर द फोर्थ कमिंग मेन सीजन क्रॉप आर कॉल्ड ऑफ सीजन टिलेज। मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो कि अब हमारे खरीफ सीजन जुलाई में आता है, गर्मी में हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, रबी की क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद हम फील्ड को एकदम तैयार करके छोड़ देते हैं अगले सीजन आने के लिए, ठीक है, उसमें डीप प्लोइंग वगैरह सारी चीज़ हम करते हैं ताकि जो हमारा अगला जब सीजन आएगा, बारिश होगी, मानसून होगा, तो हम सीधे शोइंग कर देंगे, ठीक है, तो इसको ऑफ सीजन टिलेज कहा जाता है। ऑफ सीजन टिलेज में कई सारी चीज़ें हैं, कंडीशनिंग सोइल के सुटेबिलिटी के लिए, कंडीशनिंग मतलब कुछ शर्तों के साथ भी किया जाता है, जैसे मान लो हमारी जो है फील्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खरपतवार है, तो हम क्या करते हैं उसमें ऑक्सीजन टिलेज में पूरा क्लीन कल्टीवेशन कर देते हैं। क्लीन मतलब कि कोई भी पौधा उसमें छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ खत्म, ना क्रॉप का प्लांट रहेगा ना वीट का प्लांट रहेगा, उसको क्लीन कल्टीवेशन कहते हैं। देखो इसमें पहला दिया है क्लीन कल्टीवेशन, और ये एफओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एफओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लीन कल्टीवेशन, क्लीन टिलेज का। इट रिफर्स टू वर्किंग ऑफ द सोइल ऑफ द इंटायर फील्ड, ठीक हो, पूरे के पूरे फील्ड में ये काम किया जाता है। इन सच ए वे नो लिविंग प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, कोई भी लिविंग प्लांट वहां पर छोड़ा ही नहीं जाता, पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं, चाहे वो वीट का हो चाहे क्रॉप का हो, इसको क्लीन कल्टीवेशन। याद रखना कि इंटायर फील्ड जो है उसमें कोई भी प्लांट नहीं छोड़ा जाएगा, वो क्लीन कल्टीवेशन है। इट इज प्रैक्टिस टू कंट्रोल वीट, ये देखो वीट को कंट्रोल करने के लिए सोइल बोर्न जो पैथोजन और जो पेस्ट होते हैं, मतलब जो सोइल के अंदर जो सोइल बोर्न जो डिजीज होती है और जो पैथोजन होते हैं उनको भी खत्म करने के लिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा इसमें। फिर ब्लाइंड टिलेज, ब्लाइंड टिलेज हम जानते हैं सुगर केन के अंदर, पोटेटो के अंदर की जाती है,
ब्लाइंड टिलेज का मतलब क्या है? ब्लाइंड टिलेज का मतलब है कि जैसे हमने सोइंग कर दी, ठीक है, हमने यहां पे क्या किया, सोइंग कर दी, ये हमने बीज लगा दिए, ठीक है, ये सोइंग कर दी। अब सोइंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे जो टिलेज ऑपरेशन करते हैं, सोइंग करने के बाद अभी क्या हुआ, यहां पे जर्मिनेशन नहीं हुआ है, तो सोइंग के बाद और जर्मिनेशन के पहले जब हम जो टिलेज ऑपरेशन करते हैं उसको हम ब्लाइंड टिलेज कहते हैं। और ये भी क्या करते हैं, वीट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात, ये हमने यहाँ पे सीड को सोइंग कर दी, ये हमारी सोइल है, अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं वीट को कंट्रोल करने के लिए, वो हमारा ब्लाइंड टिलेज कहलाता है। देखो, टिलेज डन आफ्टर सीडिंग एंड प्लांटिंग द क्रॉप, देखो सीडिंग और प्लांटिंग द क्रॉप, ठीक है, इन ए स्टेराइल सोइल आइदर एट द प्री इमर्जेंस स्टेज ऑफ द क्रॉप प्लांट वाइल दे आर इन द अर्ली स्टेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट, जैसे सुगर कैन एंड पोटेटो डू नॉट गेट डैमेज बट एक्स्ट्रा प्लांट आर ब्रॉड लीव वीड्स आर अपरूटेड। मतलब वही है कि प्री इमर्जेंस मतलब इमरजेंसी, मतलब क्या होता है, सोइंग जब अंकुरण नहीं हुआ उसके पहले हम क्या कर देते हैं, उसमें टिलेज ऑपरेशन करते हैं, जिससे जो भी अनवांटेड प्लांट होते हैं वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जर्मिनेशन नहीं होता है तो हमारे प्लांट भी क्या होते हैं, डैमेज नहीं होते हैं। तो सुगर केन और पोटेटो में जनरली ये किया जाता है। ड्राई टिलेज क्या होता है, देखो ड्राई टिलेज इज प्रैक्टिस फॉर द क्रॉप दैट शोन ऑन प्लांटेड इन ड्राई लैंड कंडीशन। अब ड्राई लैंड कंडीशन में जो टिलेज ऑपरेशन प्रैक्टिस किए जाते हैं वही क्या कहलाता है, ड्राई टिलेज कहलाया जाता है। और ड्राई टिलेज के लिए याद रखना लगभग 21-23% मॉइस्चर होना चाहिए, और ये ड्राई टिलेज किया ही इसीलिए जाता है मॉइस्चर कंजर्वेशन के पर्पज से। देखो, दिस इज सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक ब्रॉडकास्टेड, जो ड्राई टिलेज किसमें, ब्रॉडकास्टेड राइस में, जूट में, वीट में, ऑयलसीड क्रॉप में, पल्सेस में, पोटेटो और वेजिटेबल में। ड्राई टिलेज डन इन द सोइल हैविंग सफिशियंट मॉइस्चर 21-23%। तो ड्राई टिलेज कब किया जाएगा, जब सोइल के अंदर मॉइस्चर जो है 21-23% हो, ठीक है। अब वेट टिलेज की बात करते हैं, तो वेट टिलेज अपने आप में क्या होता है, वेट टिलेज अपने आप में होती है पडलिंग। पडलिंग किसमें करते हैं हम, राइस की क्रॉप में, धान के फसल में जो है पडलिंग की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि उसकी जो नीचे की लेयर है उसको हार्ड किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है, ताकि परकोलेशन ना हो पानी का, साथ ही जो न्यूट्रेंट है, जो हम फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं, न्यूट्रेंट जो है उसका जो है लॉस ना हो लीचिंग के थ्रू, ठीक है। दूसरा, फिर वीट को कंट्रोल करने के लिए पडलिंग की जाती है। पडलिंग जो की जाती है स्टैंडिंग वाटर में, खड़े पानी में, मतलब भरे हुए पानी में की जाती है, कितना, 5-10 सेंटीमीटर जो स्टैंडिंग वाटर होता है उसमें पडलिंग की जाती है। पडलिंग ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ प्लोइंग रिपीटेडली इन स्टैंडिंग वाटर अंटिल द सोइल बिकम सॉफ्ट एंड मडी, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड मडी, बिल्कुल कीचड़ के समान हो जाती है, बिल्कुल, है ना, ठीक है। पडलिंग क्रिएट द इम्परवियस लेयर बिलो द सरफेस। अब क्या बोला, सरफेस के नीचे जो है वो बिल्कुल हार्ड लेयर बन जाती है, रिड्यूस द डीप परकोलेशन, जिससे क्या होता है परकोलेशन को कंट्रोल किया जाता है, वाटर का लॉस कम होता है, सॉफ्ट सीड बेड वहां पर मिल जाता है राइस की प्लांटिंग के लिए। पडलिंग इज डन इन बोथ डायरेक्शन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रीन मैन्यूअर एंड वीड्स। तो सीधी सी बात है कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो वीड होते हैं उनको भी बिल्कुल, और जो ग्रीन मैन्यूअर्स होते हैं उनको पूरी तरीके से मिला दिया जाता है अंदर ही अंदर, ठीक है। अब वेट टिलेज डिस्ट्रॉय द सोइल स्ट्रक्चर एंड सोइल पार्टिकल डेट आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द पडलिंग सेटल लेयर। बात वही है, क्या कर रहे हैं इसमें, वेट लेयर में जो सोइल के जो है उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पूरी तरीके से, क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स को, फाइनर पार्टिकल में बिल्कुल कीचड़ वहां पे मचा रहे हैं। वेट टिलेज इज ओनली मीन्स द लैंड प्रिपरेशन फॉर ट्रांसप्लांटिंग या सेमी एक्वेटिक क्रॉप प्लांट सच एज राइस। तो वेट टिलेज का मतलब ही क्या है कि जो भरा हुआ पानी है या सेमी एक्वेटिक जो प्लांट्स है जैसे राइस है उसकी अगर हमें फार्मिंग करना है तो वहां पर हमें पडलिंग करना पड़ेगी, ताकि जो है वाटर का लॉस ना हो, परकोलेशन ना हो, लीचिंग लॉसेस ना हो, और वीड वगैरह भी कंट्रोल हो सके, ठीक है। टिलेज सिस्टम की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टिलेज वैसे तो डिटेल में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिया है, ठीक है। तीन टाइप से होता है, एक होता है कंजर्वेशन टाइप, एक होता है रिड्यूस टाइप, और एक होता है कन्वेंशनल टाइप। तीन टाइप होते हैं इसमें मेजर, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्वर्जन देखो, कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सोइल मॉइस्चर बिल्कुल कंजर्व करके रखना है। और सोइल मॉइस्चर कंजर्व कब होगा, नाम ही समझना। देखो, कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, बचाना। तो यहां पे कंजर्वेशन टिलेज का मतलब ही है कि सोइल का जो है मॉइस्चर है वो हमें बचा के रखना है,
ताकि हमारी अगली फसल है उसको हमें पानी कम देना पड़े, या फिर पानी इसकी अगर व्यवस्था नहीं है तो अच्छे से क्रॉप हो सके। तो कंजर्वेशन कब होगा? जब हम टिलेज कम से कम करेंगे। और जब हम टिलेज कम करेंगे तो वहां पर सोइल में क्या होगा, जो पुरानी पुरानी जो क्रॉप है और उसका जो रेसिड्यूज है, उसके जो डंठल है, वो ज्यादा रहेंगे। समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन का मतलब ये है कि टिलेज हमें कम करना है। टिलेज कम करेंगे तो वहां पर जो पुरानी फसल है, जो पहली फसल थी, उसके जो डंठल वगैरह है वो सोइल के ऊपर रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, तो सोइल का मॉइस्चर नीचे बना रहेगा। सीधी सी बात है। तो कंजर्वेशन टिलेज में मतलब क्या है कि 30% या उससे ज्यादा क्रॉप के जो रेसिड्यूज है वो सोइल पर, लैंड पर ही छोड़ दिए जाते हैं। और क्यों 30% से ज्यादा क्यों? क्योंकि अगर हम वहां पे मान लो ये आपकी क्रॉप लगी हुई है और आपने यहाँ पे, कंजर्वेशन का मतलब है कि आपने कम टिलेज किया मतलब कि मान लो आपने मिनिमम टिलेज किया, एक ही बार टिलेज किया तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपके क्रॉप के रेसिड्यूज जो है वो यहाँ पे सोइल पर पड़े रहेंगे। 30% से ज्यादा क्रॉप रेसिड्यूज जो है सोइल पर ही रहेंगे, तो सूर्य की किरण इन्हीं के ऊपर पड़ेगी तो नीचे मॉइस्चर बना रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 30% या 30% से ज्यादा क्रॉप के रेसिड्यूज सोइल पर ही रहेंगे, लैंड पर ही रहते हैं, वो कौन सा टिलेज सिस्टम कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। देखो कितना, 1120 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ फ्लैट स्मॉल ग्रेन रेसिड्यूज इक्विवेलेंट टू द सरफेस थ्रू आउट द क्रिटिकल विंड इरोजन पीरियड इज कॉल्ड कंजर्वेशन टिलेज। मतलब लगभग 1120 किलोग्राम जो है फ्लैट और स्मॉल ग्रेन रेसिड्यूज जो है वहीं पर छोड़ दिए जाते हैं, एक हेक्टेयर की बात हो रही है यहाँ पर। और क्या होता है? क्रिटिकल विंड इरोजन पीरियड। अब इससे क्या होगा, विंड इरोजन भी कंट्रोल होगा, क्योंकि अगर हमारा क्रॉप रेसिड्यूज ऊपर पड़ा है तो हवा जो है सोइल के पार्टिकल को उड़ा के नहीं ले जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। रिड्यूस टिलेज क्या होता है? रिड्यूस टिलेज मतलब कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो कंजर्वेशन में मोर देन 30% अगर रेसिड्यूज है तो वो कंजर्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है कि 15 से 30% अगर क्रॉप रेसिड्यूज सरफेस पर है, ठीक है, कहां पर? सोइल की सरफेस पर। कितने? 15 से 30% सोइल क्या है, क्रॉप के रेसिड्यूज है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रिड्यूस टिलेज। ठीक है, 560 से लेके 1120 किलोग्राम के बीच में। और कन्वेंशनल टिलेज क्या हो गया? कन्वेंशनल टिलेज क्या होगा? कन्वेंशनल टिलेज मतलब लेस देन 15% अगर क्रॉप के रेसिड्यूज, ये रहा, लेस देन 15% क्रॉप के रेसिड्यूज अगर सोइल पर है, मतलब लेस देन 560 किलोग्राम ही अगर क्रॉप के रेसिड्यूज सोइल पर है, तो उसको कन्वेंशनल बोलते हैं। कन्वेंशनल का मतलब है कि कम से कम रेसिड्यूज हमारी सोइल सरफेस पर रहना चाहिए। तो कम से कम कब रहेंगे? जितनी ज्यादा बार हम वहां पे टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो उतना वहां पे रेसिड्यूज कम होता जाएगा। तो कंजर्वेशन में बहुत कम टिलेज किया जाता है और कन्वेंशनल में बहुत ज्यादा टिलेज किया जाता है, इसलिए इसको इंटेंसिव टिलेज भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब कंजर्वेशन में, अब मैंने बोला कंजर्वेशन टिलेज में कई सारे टाइप आते हैं। देखो मिनिमम टिलेज, कंजर्वेशन का मतलब ही क्या है? सोइल मॉइस्चर को मेंटेन करना, सोइल मॉइस्चर को मेंटेन करना है तो कम से कम टिलेज करना पड़ेगा, और कम से कम टिलेज मतलब मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज जो है मिनिमम सोइल मैनिपुलेशन, मतलब कम से कम सोइल को डिस्टर्ब किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टिलेज रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड मिनिमम टिलेज। अब जैसे मान लो हमें सोइंग करना है तो सोइंग के साथ कुछ तो मिनिमम टिलेज होगा, तो बस वही किया जाता है। तो इसमें लगभग 30 से लेकर 50% तो क्रॉप रेसिड्यूज जो है सोइल पर बने रहते हैं, जिससे सोइल का मॉइस्चर मेंटेन रहता है। दो प्रकार से हम मिनिमम टिलेज यहां पर कर सकते हैं। क्या कंडीशन है दो? एक तो वो ओमिटिंग ऑपरेशन विच डू नॉट गिव मच बेनिफिट व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट। देखो मान लो आपने यहां पर टिलेज ऑपरेशन किया, टिलेज ऑपरेशन का खर्चा आपका 10,000 रुपए आ रहा है। ठीक है, मान लो आपने यहां पर टिलेज कर रहे हो, आपका खर्चा 10,000 रुपए आ रहा है और आपको जो है फायदा 9,000 का ही हो रहा है, तो आप यहां पर टिलेज ऑपरेशन करने का मतलब ही क्या है? क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है 1,000 रुपए का, तो यहां पर एक तो इस कंडीशन में टिलेज ऑपरेशन नहीं किया जाता। दूसरा, यहां पर बाय कंबाइनिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मतलब कि कब हम करेंगे सीडिंग एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, और जब हमें सीडिंग और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना है तभी हम क्या करते हैं वहां पर टिलेज करते हैं, जिसको हम मिनिमम टिलेज कह देते हैं। ठीक है, फिर मल्च टिलेज में 30% तक रेसिड्यूज क्रॉप पर रह जाते हैं और वो क्या करते हैं, मल्चिंग का काम करते हैं, सोइल के मॉइस्चर को कंजर्व करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा रोटरी टिलेज। अब रोटरी का मतलब ही क्या हो गया कि कट करेगा, तोड़ेगा और मिक्स करेगा। मतलब क्या हो रहा है यहां पे, देखो ऑपरेशन एम्प्लॉय द रोटरी एक्शन, यहां पे रोटरी टिलेज मतलब यहां पे रोटरी एक्शन का काम होगा। वो जो टूल क्या करेगा, पहले तो कट करेगा, फिर ब्रेक करेगा और मिक्स द सोइल। क्या करेगा? पहले कट करेगा, फिर जो बड़े बड़े ढेले उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, तोड़े के बाद उसके बाद उसको मिक्स कर देगा रेसिड्यूज के साथ।
तो ये रोटरी टिलेज हो जाता है। स्ट्रिप टिलेज का मतलब है कि जो बंड्स होते हैं, ठीक है, मान लो ये आपके बंड्स होते हैं, ये बंड्स होते हैं, तो इन बंड्स बंड्स को ही क्या करता है, ब्रेक करता है, तो उसको हम स्ट्रिप टिलेज कहते हैं। सिस्टम ओनली आइसोलेटेड बंड्स ऑफ सोइल, मतलब कहाँ किया जाएगा टिलेज ऑपरेशन, जो आइसोलेटेड बंड्स होते हैं, जो अलग से बंड्स होते हैं बने हुए, उनको ही तोड़ना, ये स्ट्रिप टिलेज कहलाता है। ठीक है, स्टेबल मल्च टिलेज। अब स्टेबल मल्च टिलेज का मतलब ही क्या है कि जो पुरानी क्रॉप के जो हमारे स्टेबल्स रह जाते हैं क्रॉप पर, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, एक तरह से मल्चिंग का काम करते हैं। 12 से 15 मीटर यहाँ पे सेंटीमीटर डेप्थ से उनको क्या कर देते हैं, सोइल में कट कर देते हैं, मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, वो भी सोइल मॉइस्चर का काम करते हैं। बस इतना ही याद रखना है यहाँ पे। जीरो टिलेज। अब जीरो टिलेज भाई, सो वही बात है, प्राइमरी टिलेज पूरी तरीके से इसमें अवॉइड कर दिया जाता है। सेकेंडरी टिलेज करते हैं सिर्फ रो जोन में। रो जोन मतलब कि जब हमें सोइंग करनी रहती है, तो सीधी से अब सीडिल से करो तो रो जोन में वहां पे टिलेज हो जाएगा। मोस्टली जो है कौन से क्रॉपिंग सिस्टम जो है जीरो टिलेज फॉलो किया जाता है, तो राइस और वीट क्रॉपिंग सिस्टम में जीरो टिलेज फॉलो किया जाता है, और 50 से लेकर 100% तक क्रॉप रेसिड्यूज जो है फील्ड पर रहेगा। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन टिलेज के अंदर आता है।